अब होटल से हम लोग निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए, बस वहीं पे जाना है हम लोग का। तो में हम लोग बैठ के यहाँ पे मैगी खा रहे हैं। वाओ, इतनी खतरनाक पहाड़ से होके यहाँ पे रास्ता बनाया गया है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दर्शन शिवानी व्लॉग्स। कर दी, जय हो केदार बाबा की, जय भोलेनाथ। तो हम लोगों ने बुकिंग करी थी हिमालयन ग्रुपॉन से, और हमारा जो पूरा का पूरा सफर रहा बहुत अच्छा रहा। जो होटल सभी मिला है वो भी बड़े अच्छे थे, खाना भी अच्छा था। खाना भी अच्छा था नो डाउट, और जो ट्रैवलिंग के लिए भैया हमें मिले और गाड़ी मिली है वो भी बहुत अच्छे कंडीशन की थी। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग ग्रुपॉन से बिंदास बुकिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय केदार बाबा, जय केदार बाबा। हिमालयन ग्रुपॉन के जो स्टाफ है वो भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत धन्यवाद, और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा स्टे था, बहुत अच्छा खाना था। एंड अभी हमारा ट्रिप खत्म हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। डेफिनेटली अगर कभी नेक्स्ट टाइम होगा तो हम जरूर हिमालयन ग्रुपॉन प्रीफर करेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। बम महादेव। ये देखिए, ये सामने यही वो लेफ्ट साइड से रास्ता जाती है, और नीचे देखिए कितना अच्छा नदी आ रहा है। ये लेफ्ट जो रास्ता जा रही है ये टुंगनाथ को जाती है, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा टेंपल हैं। ये देखिए पहाड़ों के एकदम अंदर से हम लोग अब यहाँ पे गुजर रहे हैं, ब्रिज बनाए हैं, और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल है। मजा आ गया, तो नहाने का एक मजा होना चाहिए, बहुत नीचे तक जा रहा है। अगर ये पूरा का पूरा देखिए पहाड़ों से ही ये रास्ता निकाला गया है। जय भोलेनाथ। देखिए यहाँ पे पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ से सीधा पानी आता है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ लोगों ने लगा रखा है। मस्त, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ से देखिए सामने व्यू कितना सुंदर दिख रहा है यार, ये पूरा पहाड़ों में ही है मतलब उत्तराखंड। जय भोलेनाथ। बहुत मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं क्या बताऊं, बहुत मस्त एक्सपीरियंस है। बस यहीं से अब हम लोग आए की तरफ, बद्रीनाथ का रास्ता निकलता है। चोपटा चंद्रशिला, ये यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं। देखिए सामने कैसे बादल ही बादल आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये एक्चुअली इतना मस्त लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। बादल पूरा मूव हो रहा है, हम लोग एक्चुअली अभी बादल में हैं। और ये देखिए चोपटा जो है यहाँ पे, चोपटा 5 किलोमीटर दिख रहा है। हम लोग आगे की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं। जय भोलेनाथ। पूरे बादल में हम अभी सफर कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं कहीं भी, वहाँ पे लगता है टेंट लगा के लोग रह रहे हैं वहाँ पे। देखिए छोटी छोटी गाड़ियाँ भी जा रही हैं। आगे बढ़ते तब बादलों को चीरते हुए बद्रीनाथ बाबा के धाम की तरफ। जय भोलेनाथ। वाओ, पूरे बादलों से होके गुजर रहे हैं हम लोग, इतना अच्छा लग रहा है यार, मैं क्या बताऊँ। वाओ, बहुत मस्त लग रहा है यार ये नज़ारा, मैं कैसे सपने में आएगा। हाँ यार बिल्कुल, यहाँ तक जाता है। देखिए बद्रीनाथ के रास्ते में एक्चुअली ये कौन सी जगह भैया? चोकटा ही कह सकते हैं, चोकटा आई थिंक 2-3 किलोमीटर यहाँ से है। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं, बहुत मस्त वेदर है। ये देखिए सामने बादल ही बादल है, पूरे बादलों में हम लोग बैठ के यहाँ पे मैगी खा रहे हैं। यूँ कहें कि ये बादलों वाली मैगी है, पहाड़ों वाली मैगी, ये बादलों वाली मैगी है क्योंकि हम लोग बादल में हैं।
मस्त है, मस्त है। जब भी आप पहाड़ों में आइए तो मैगी जरूर खाइए, पहाड़ों वाली मैगी की बात ही कुछ और है यार। क्या लोग टेस्टी मैगी एकदम, ये अलग आता है पहाड़ में खाने का। खाइए चाय का वो बोलना भाई। अभी पहाड़ों की मैगी और चाय खाने के बाद हम लोग यहाँ से अब फिर आगे बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ बाबा की दरबार की तरफ। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं और इन बादलों को चीरते हुए पहुँचते हैं हम लोग दरबार में। ये है तुंगनाथ और ये कहा जाता है कि शिवा का हाईएस्ट टेंपल है इन द वर्ल्ड। यही वो द्वार है, यहाँ से तुंगनाथ महादेव के ऊपर जाने का ये रास्ता है। और कुछ लोग आ भी रहे हैं यात्रीगण, जैसे आप देखिए आ रहे हैं लोग नाथ, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। तो चलिए यहाँ तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं बट आगे बद्रीनाथ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मार्केट है यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे, खाने पीने सब की सुविधा है। बढ़ते आगे ये पूरी वादियाँ जो है वो बादलों से घिरी हुई है। हम लोग तुंगनाथ महादेव से हम निकले हैं और पहुँच रहे वाले हैं बद्रीनाथ की तरफ। यहाँ से कितना दूर है भैया बद्रीनाथ? और ये देखिए सामने बादलों के एकदम मंदिर को हम लोग चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया है, जय भोलेनाथ। ये देखिए यहाँ से एकदम पूरा पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है और हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है यार, गुजर रहे हैं अभी यहाँ से। इतना ही फोटो वीडियो क्यों बट मन नहीं भर रहा है यहाँ से। एकदम बादलों में हम लोग कुछ नहीं दिख रहे आगे, एकदम बादल ही बादल यहाँ से दिख रहा है। बद्रीनाथ के रास्ते में देखिए पूरी बारिश ही बारिश यहाँ पे हो रखी है अभी। ये देखिए ग्लास में पूरा पानी की बूंदे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी बहुत मस्त वेदर हो चुका है। सब लोग ट्रैक से एकदम थके हुए हैं, मैं और भैया जो है सो गाड़ी की कमाल एकदम संभाले हुए हैं भाई, एकदम लगे हुए हैं हम लोग को पहुंचाने हैं बद्रीनाथ। संदीप भाई भी जगह लग रहा है, जय भोलेनाथ। चलिए बढ़ते हैं बद्रीनाथ बाबा के धाम की तरफ। पूरे ट्रिप पे हमने अभी तक बारिश नहीं एक्सपीरियंस किया था बट बद्रीनाथ बाबा की कृपा से हमने बारिश भी अभी जस्ट एक्सपीरियंस किया है। बड़ा अच्छा मौसम है और ये देखिए बारिश खत्म होते ही यहाँ पे धूप भी मिलने लगा है। वाओ बहुत सुंदर नजारा है सामने। ये हम अभी बाबा बद्रीनाथ के रास्ते में यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, बारिश भी होने लगी है। थोड़ी सी ज़्यादा रुक गई थी बीच में बट फिर से वापस बारिश शुरू हो गई है। हम लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ से अभी आगे निकलेंगे। हाँ वो संदीप भाई वहाँ हमारे आराम कर रहे हैं थोड़ा। चलिए ये देखो बद्रीनाथ 105 किलोमीटर नीचे की तरफ से रास्ता जा रही है। जय भगवान बद्रीनाथ, जय भोलेनाथ। देखिए बद्रीनाथ जाने के रास्ते में कितने खतरनाक पहाड़ से होके यहाँ पे रास्ता बनाया गया है। नहीं नहीं यार ये बहुत खूबसूरत रास्ता है, जिन लोगों को आना होगा वो जरूर आएंगे, बद्रीनाथ के रास्ते में आता है। ये देखिए बद्रीनाथ बाबा के रास्ते में पहाड़ से होके रास्ता एकदम गुजरती है। क्या दृश्य आपको देखने को मिलता है इधर, यहाँ साइड में देखिए इस पे छोटे 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 घर बने हुए हैं बहुत सारे और ये ऊपर बादल ही बादल। जय भगवान। चलिए भैया ने यहाँ पे थोड़ी देर खाना खाने के लिए गाड़ी रोका है,
ये बड़ा ही मस्त यहाँ से व्यू आ रहा है। देखिए ऊपर से पानी आ रहा है वहाँ पहाड़ से। ओहो क्या व्यू है सही में, बहुत बढ़िया। चलिए नाश्ता करते हैं। बना लिया, एक फोटो निकाल लेता हूँ। मेरे को नहीं उठी होनी हमारी कहीं से कहीं हेलीकॉप्टर से होता ना। देखो ना होने से अच्छा कुछ मिल रहा है वो अच्छा है। संदीप भाई अभी हम लोग यहाँ स्नैक सेंटर पे रुके थे, थोड़ा सा हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। रास्ता कितना खूबसूरत है, पूरे पहाड़ों में से यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पे। और फिर यहाँ से अब हम लोग बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वापस आगे निकल चुके हैं। ये NTPC का पूरा एरिया यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे रोड का काम चालू है अभी भी। लोग जोशी मठ पहुंच चुके हैं और ये जोशी मठ का मार्केट है। अब इसके आगे और हम बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ। ये पूरा का पूरा आर्मी यहाँ पे कैंट है। और हेलो यहाँ पे एक्चुअली रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं बद्रीनाथ धाम जाने से पहले। जय भोले। बद्रीनाथ धाम के रास्ते में ये देखिए यहाँ पे एक डैम मिलता है और कहते हैं कि ये पूरे गांव की जो बिजली है वो यहीं से उत्पन्न होती है। देखिए कितना बड़ा डैम है। बद्रीनाथ धाम के लिए एंट्रेंस है यहीं पे, ये लोग चेक करते हैं और आई थिंक कुछ पर्ची भी काट के देते हैं ये लोग। हाँ जी भैया 60 रुपये ठीक है, काफी के लिए 60 रुपये रखे। जय बद्री विशाल, थैंक यू। ये आ गए यहाँ पे भैया, चार लोग सर, जेंट्स चार, एक में पांच। नहीं नहीं सिर्फ जेंट्स है सर, पांच लोग ड्राइवर साहब लगा के। ठीक है थैंक यू सर। ये भाई आ गए हमारे बद्रीनाथ धाम के होटल वाले, सामान सामान लेके आ जाएंगे। और ये बद्रीनाथ धाम में हम लोग पहुंच गए हैं, ब्रह्म कमल कॉटेज में हम लोग पहुंच गए हैं, बद्रीनाथ धाम कॉटेज में। चलिए अब अंदर चलते हैं रूम में। जय भगवान। रूम्स इस कॉटेज के तो अच्छे लग रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं अंदर क्या फैसिलिटी है। इतनी ऊंचाई पे तो जो ही दे दे वही अच्छा है। रूम्स एंड ऑल तो अच्छा लग रहा है हमें। यही था ना फोटोज भी, यही था। अच्छा है, जेन्यून है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीविजन एंड ऑल सब कुछ इन्होंने दे रखा है। अरे काफी है, दो दो बेड है। बहुत बढ़िया। जय भगवान। अब बद्रीनाथ भगवान जी के रास्ते में है और वो देखिए सामने से दिख रहे हैं, बस मंदिर की छटा यहाँ से दिख रही है। और पास जाके हम भगवान के दर्शन करें तब सच्चा सुख प्राप्त हो। चलिए बिना देर किए रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको बद्रीनाथ भगवान के द्वार पर। जय बद्रीनाथ भगवान। यहाँ पे देखिए लोग खाना भी खा रहे हैं। जय है बद्रीनाथ धाम भगवान की जय हो। अब हम लोग आ गए हैं बद्रीनाथ धाम प्रांगण में। अब चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं, अंदर फोटोग्राफी मना है तो इसलिए हम यहाँ से अब बंद करेंगे रिकॉर्डिंग और फिर आपसे दर्शन करने के बाद मुलाकात होगी। जय भगवान। जय
जय बद्रीनाथ भगवान जी, बहुत बहुत कृपा है हम पे। हम लोग इतने अच्छे समय पे आए कि हम बता नहीं सकते हैं। गेट रोज ही होने वाला था, बस एक मिनट अगर हम लोग लेट हो जाते तो हम लोग को अभी दर्शन नहीं हो पाता और हमें सुबह आना पड़ता, बट भगवान की असीम कृपा थी कि अभी हम लोगों को दर्शन मिल गया है उनका और हम लोगों ने ये पीछे से प्रसाद ले लिया है। और अब यहाँ से हम लोग थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते हैं, फिर आगे निकलेंगे। हम लोग के दर्शन तो हो गए, देखिए गेट उधर से क्लोज होने के बाद यहाँ से भी कुछ लोगों को अभी भगवान के दर्शन का मौका दिया जा रहा है। चलिए सभी श्रद्धालुओं का दर्शन हो जाए यही कामना है और भगवान सब पे कृपा बनाए रखे। जय है बद्रीनाथ भगवान जी की जय। आजा मैं और आगे चला गया। जय है बद्रीनाथ भगवान जी। हम अभी बद्रीनाथ भगवान जी के मंदिर पे हैं और आप लोग वहाँ से लाइव भगवान दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पहुँच के। बहुत मुश्किल से आते हैं लोग यहाँ और भगवान उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। आरती हो रही है भगवान बद्रीनाथ भगवान जी। अब एक है भाई, जय भगवान जी, जय नारायण, जय। चलिए इसी आशीर्वाद के साथ हम लोग यहाँ से अब ये पूरा जो सफर है हमारा दो धाम का खत्म होता है, चलते हम घर की ओर। है श्रीमद् भागवत कथा हॉल है, यहाँ पे कथा होता है अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ भगवान जी के रास्ते में ये एक झूला पुल आता है और ये पुल एक्चुअली चलते वक्त ना वाइब्रेट करता है, लिटरली हम लोग वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं। अब हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए भगवान जी के दर्शन होने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी बाहर है, बारिश भी हो रही है, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग बड़े अच्छे से जो हमने बुकिंग करी थी हिमालय ग्रीफॉन की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था इन लोगों ने करके दिया है। ये देखिए सब लोग हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से खाना वाना खा रहे हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई लोग भी आ रहे हैं तो यहाँ आप हिमालय ग्रीफॉन से बुकिंग कर सकते हैं। सारी सुविधाएँ अच्छी हैं जो बेस्ट हो सकता है इस जगह पे बद्रीनाथ में। तो चलिए इसी के साथ हम ये टूर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से हों, स्वस्थ रहें, भगवान की कृपा बनी रहे। शुभ रात्रि, सबा खैर, बाय बाय, गुड नाइट। जय भगवान। ये अभी हम लोग बद्रीनाथ धाम पे हैं और यहाँ पे पार्किंग में हमारी गाड़ी लगी है, अब यहाँ से हम निकलेंगे। और ये देखिए चारों तरफ का क्या नज़ारा है, एकदम बस बादल ही बादल है यहाँ पे। वहाँ से देखिए पानी वहाँ से झरने की तरफ आ रहा है। ये देखिए चलते चलते हम बद्रीनाथ नारायण जी की मंदिर की आपको एक दर्शन करा देते हैं, अंतिम दर्शन। ये देखिए यही वो पीले में जो दिख रहा है वही है बद्रीनाथ। पहाड़ों पे एकदम बादल ही बादल है, हर जगह बादल है। अब यात्रा यहाँ से हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, घर की तरफ।